तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो रीजनिंग की अगर हम जो भी हमने पहले पढ़ा था करीब 10 दिन के बाद क्लासेस होगी, ठीक है। तो रीजनिंग दो हिस्सों में हमने बांटा है, एक है वर्बल रीजनिंग और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांटा है, अगर मैं एग्जाम के लिए थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ और फिर मैं सारी चीजों को एक एक करके आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। पीछे का बंद कर दो, उधर से दरवाजा लगा दो, पर्दा से इधर करके दरवाजा लगा दो, ठीक। देखिए तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर अभी फिलहाल एग्जाम की बात करेंगे तो अभी आपने सीजीपीएससी का पेपर देखा, ठीक है, सीजीएसआई मेंस का पेपर अभी होगा, बैंकिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग के कोई भी एग्जाम, ठीक है। रीजनिंग बहुत बड़ा वेटेज रखता है, सीजीपीएससी और सीजीएसआई में आप देख ही लिए होंगे। मैथ्स जिससे नहीं बन रहा था रीजनिंग ही उसका नैया पार करा सकता था, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे आए थे, ये नहीं थे कि टफ थे, अच्छे थे, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से पढ़ के जो जाएगा उसके लिए वो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो नहीं बना पाएगा, ठीक। तो हमारी कोशिश ये है, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने यूट्यूब में डाल दिया, तो एक बार देख लेना आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, ठीक। तो आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक चीज समझ में आ रहा है, पढ़ाई आप कितना भी कर लो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो प्रैक्टिस के लिए कहां से कैसे कैसे करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं कंपटीशन का तो रीजनिंग में दो हिस्सों के अलावा तीसरा कभी भी कोई भी चीज और नहीं पूछता। एक होता है बच्चे कौन सा, वर्बल, और एक होता है क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इस बार ही कुछ एग्जाम्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें नॉन वर्बल भी आता है, बैंकिंग के एग्जाम में नॉन वर्बल, जो भी ऑनलाइन पेपर होता है वो नॉन वर्बल पूछना बंद कर दिया है, बैंकिंग का एग्जाम नॉन वर्बल नहीं पूछ रहा है जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है, पहले ऑफलाइन होता था तो पहले आता था। अगर मैं व्यापम की बात करूंगा और पीएससी की बात करूंगा, इस बार पीएससी में पहली बार नॉन वर्बल की क्वेश्चन दे दिया है, तीन चार, वो जो फिगर उगर जोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें फिगर्स बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं, फिगर्स, उनको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, एम्बेडेड फिगर, ऐसे बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं। दूसरा होता है बच्चे वर्बल रीजनिंग, क्या होता है, वर्बल, वर्बल रीजनिंग में ये टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जैसे एक हो गया टॉपिक क्लॉक, घड़ी जिसको बोलते हैं, कैलेंडर, ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक हो गए। लेकिन अभी देखा जाए तो क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम, अभी भी एग्जाम में नहीं आए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, कुछ कह नहीं सकते कब कौन सा टॉपिक आ जाए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग, क्रम व्यवस्था जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, तो इतने बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। सिलोलिज्म, न्याय संगत अभी भी आया था और आएगा, अच्छा खासा वेटेज में आएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी, असमानता, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसका पूरा सिलेबस का डिटेल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, क्लियर है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को कवर करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग किस पे चलेंगे, वर्बल पे। नॉन वर्बल का एक्चुअली क्या है कि अब इसमें पढ़ा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 5 दिन की क्लास है, 5 से 6 दिन में नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अभी जैसे टाइम एक्चुअली मिल नहीं पाया था बीच में इसलिए नहीं बनाया मैं, लेकिन इसका मैं बना दूंगा, उसको परेशान नहीं होना, 5 घंटे 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। मेन आपको जो फोकस करना है किसमें, वर्बल में। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपका क्लास में क्या डेवलप करूंगा, कंसेप्ट, मेरा काम जो रहेगा वो कंसेप्ट को डेवलप करना रहेगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन इस बार अलग से दूंगा, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद आप जरूर याद दिलाइएगा प्रैक्टिस शीट के लिए। तो प्रैक्टिस शीट जो दूंगा उसको आपको घर में करना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो बकायदा पूछना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो जो प्रैक्टिस करोगे वो टॉपिक वाइज रहेगा पहले, ठीक है, फिर 1-2-3 टॉपिक जब होगा तो कंबाइन करके मैं इकट्ठा टेस्ट ले लिया करूंगा, बात समझ में है। तो टेस्ट की जगह पहले प्रैक्टिस में फोकस करो, जब 3 चैप्टर होगा तब टेस्ट लेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर एक साथ दोगे तो दिमाग ज्यादा समझ में आएगा, एक एक दूंगा तो आप उतना ही पढ़ के आ जाएंगे और बन भी जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। अब शुरुआत करते हैं बच्चे, जो आज से हमें शुरुआत करना, आज से जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, क्लॉक, क्या नाम है, क्लॉक। आज मैं शुरू कर रहा हूं बच्चे टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम क्या है, रीजनिंग का, क्लॉक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चे, घड़ी, ठीक है। अब ये क्लॉक जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे, आपके सामने। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, टॉपिक का हेडिंग लिख लीजिएगा क्लॉक, आपको नोट्स बनाना हो तो साथ में बनाते चलिएगा, अदरवाइज पीडीएफ भी मिल जाएगा, बट आप खुद बनाए ज्यादा बेहतर है, हैंड रिटन नोट्स बेटर रहेंगे, ठीक है। तो चेयर ले लो, ठीक है, देखो तो क्लॉक की बात करते हैं बच्चे, क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी होता है। अब ये घड़ी जो टॉपिक है इस किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है।
तो क्लॉक की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, घड़ी की बात करता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है बच्चे, वो होता है क्लॉक में आपका इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब किसी भी टॉपिक का बेसिक आपको आना चाहिए। आपको अभी नहीं आता है तो वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए उसका क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो मैं पहले बेसिक पे काम करूंगा कि क्लॉक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आपका बेसिक हो जाएगा तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चे एंगल निकालने वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन बच्चे? एंगल निकालने वाले क्वेश्चन। एंगल निकालने वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लो घड़ी देखते बनता है सबको, जैसे मैंने बोला बच्चे 8:20 घड़ी में टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है 8:20 घड़ी में बज रहे हैं। तो 8:20 कैसे होता है बच्चे? अगर आप एक क्लॉक बनाइए, ठीक है, यहां पे क्या होता है बच्चे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, ये होता है बच्चे कितना 12, 1, 2, और ये क्या है बच्चे 3। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, 8:20 कैसे बजता है बच्चे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये बताइए बड़ा वाला सुई काहे में होता है, जो मिनट है होता है। नॉर्मली घड़ी देखते बनता है सबको, तो ये बताइए बड़ा वाला सुई काहे में होता है, जिसको मिनट हैंड बोलते हैं, 4 कहां पे होता है, और छोटा वाला सुई 8 और 9 के थोड़ा सा आगे रहता है, हाँ या ना, ऐसे कुछ रहता है ना। तो अब ऐसा क्यों होता है वो सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन में, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले एक काम कर दो, पर्दे को इस साइड कर दो, पूरा लेफ्ट कर दीजिए, बैठ एक चेयर दे दीजिए, आगे बैठ जाओ थोड़ा सा, ताकि पीछे दिक्कत ना हो। जब तक स्ट्रेंथ कम रहेगी, क्योंकि अभी पीएससी का पेपर हुआ है तो अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, तब तक अपन ऊपर क्लास करेंगे, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी अपने ही बच्चे नहीं आ रहे हैं, सब लोग छुट्टी बनाने गए पीएससी के बाद, जैसे उनका बहुत अच्छा पेपर गया हो ऐसा सोच के गए हैं रिलैक्स करने, ठीक है। पेपर अच्छा जाए तो आप रिलैक्स करो, बेकार गया तो और मेहनत करो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात, 8:20 जैसे मैंने टाइम बोला, ये बताना है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो बच्चे हम लोग जो क्लॉक पढ़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं आपको उसका पूरा बेसिक बताऊंगा, रीजनिंग का पहला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लॉक, इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद मैं आपको एंगल निकालने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट कैसे करना होता है वो सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, घड़ी में मान लीजिए 8:20 कोई एक टाइम हो रहा है, तो 8:20 पे दोनों सुइयों के बीच में कौन कौन सी सुई, मिनट हैंड और आर है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्लियर है। इसी को बोलते हैं एंगल निकालने वाले क्वेश्चन। तो ये हो गया दूसरा टाइप, पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर एंगल निकालने वाले क्वेश्चन। तीसरा जो टाइप आता है बच्चे, इससे क्वेश्चन जो पूछता है वो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कि आपको टाइम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? टाइम। क्या फाइंड आउट करना रहता है? टाइम। टाइम निकालने का मतलब क्या है, पहले सुनते रहना, अभी अभी टॉपिक शुरुआत नहीं हुआ है, अभी केवल मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे ताकि कोई चीज छूटे ना, और पूरा कंसेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा क्लास में पढ़ा दूंगा तो केवल आपको प्रैक्टिस बचेगा करना, प्रैक्टिस सीट में दूंगा उसको लगाना होगा, नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे, क्लियर है ना। तो पहले तो बेसिक हो गया, एंगल हो गया, तीसरा क्या है बच्चे? टाइम। तो देखो ध्यान से, टाइम निकालने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सपोज कीजिए एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, जैसे 3 बजे और 4 बजे के बीच में, 3 बजे और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुई, सुई मतलब हो गया जो भी हैंड्स है, मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में मान लो बोल दिया 40 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल हो तो 40 डिग्री, ऐसे कोई भी एंगल दे सकता है, कोई भी स्पेसिफिक एंगल दे देगा, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 40 डिग्री का, कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं यहां पे आपको निकालना क्या है, टाइम, और क्या गिवन है, एंगल, क्या गिवन है, एंगल किसी स्पेसिफिक टाइम में, हाँ या ना, शायद कम समझ में आया होगा, फिर से बताता हूं, 3 और 4 बजे के बीच में का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई क्लॉक बना लीजिए, ठीक है, 3 कैसे बजता है बच्चे, छोटा कांटा काहे में होगा 3 में, और बड़ा कांटा काहे में होगा 12 में, जब 4 बजता है तो छोटा कांटा काहे में होता है और बड़ा कांटा अगेन किस में होता है, तो 3 बज गया 4 बज गया, तो 3 बजने के बाद मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जैसे 3:05, 10, 15 ऐसे होते जाएगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम आएगा जो 3 और 4 के बीच में होगा, और उस समय कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 40 डिग्री का, तो वो निश्चित टाइम बताना, ऐसा कौन सा टाइम था, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चे तीसरा टाइम, पहले बेसिक पढ़ना है, बेसिक के क्वेश्चन भी आते हैं, एंगल पढ़ना है, एंगल के क्वेश्चन भी आते हैं, टाइम पढ़ना है, टाइम के क्वेश्चन, तीनों में कोई ना कोई एक पूछेगा,
अगर पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, जैसे अभी पीएससी का वगैरह आया था, ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं आए थे, बट देखो अब जो टॉपिक नहीं आया इसका मतलब नहीं उसको बंद कर दिए पढ़ना। आप पुराने पेपर से ठीक है आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करिए, क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है, समझ रहे हो। बस अपना कंसेप्ट मजबूत रखो कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें बना लेना है। तो जो चौथा, जो अगर पेपर कभी भी स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो जो चौथा टाइप पूछेगा बच्चे वो रहेगा एरर से। किससे रहेगा बच्चे? एरर। ये तीनों तो बहुत ईजी है, एरर से क्वेश्चन बनेगा। एरर मतलब क्या कि मान लीजिए घड़ी में कई बार खराबी हो जाती है, आप लोग देखते होंगे कि घड़ी कोई लगी हुई है, वो अचानक अपने टाइम पे थी, कुछ समय बाद देखते हैं, एक दिन के बाद देखते हैं तो वो 5 मिनट पीछे हो गए, फिर और जाते हैं तो और ज्यादा पीछे हो गए, धीरे धीरे घड़ी पीछे हो जाती है या आगे हो जाती है, तो वो एरर आ जाता है, घड़ी में कुछ खराबी आ जाती है। वही एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के 1, 2, 3 और ये 4 पोर्शन तो है ही आपको जो क्लॉक में कंप्लीट करना है। ओके, जब ये 4 पोर्शन आपका हो जाएगा बच्चे, जब ये 4 पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें मिरर इमेज। और मिरर इमेज बच्चे थोड़ा सा आगे बैठ जाओ, इसको चेयर को लेकर लोग पीछे बैठे हैं, कल से टाइम से आइए भैया, टाइम पे क्लास रहेगी, गर्मी आ गया, लेट नहीं करना है। एक मिरर इमेज होता है और एक क्या होता है बच्चे? वॉटर इमेज। इसी क्लॉक में मिरर इमेज वॉटर इमेज मैं अलग से पढ़ाऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग में। किसमें पढ़ाऊंगा? नॉन वर्बल रीजनिंग में। बट मैं अभी फिलहाल में मिरर और वॉटर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चे क्लॉक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो क्लॉक में भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अभी आगे बैठ दो बच्चे, कोई पीछे आएगा फिर दिक्कत होगा। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैं कल से नीचे ही बैठाऊंगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 14 तारीख है शायद ना आए, क्योंकि आप लोगों का त्यौहार है शायद, ठीक है। आप फर्जी आदमी लोगों का त्यौहार है, तो अच्छा पढ़ता लिखता उसके लिए कोई त्यौहार नहीं, नौकरी लग नहीं रही है साला, यहाँ पे तुम जाके नौटंकी कर रहे हो, है ना। जॉब के लिए पूरे फोकस करो, पहले बंद कर दो उसको पीछे, ठीक है। चलिए, जितने छुट्टी मारे हैं सब याद है कौन कौन नहीं आया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहले इतना क्लियर है कि नहीं? तो ये बेसिक वाला, एंगल निकालने वाला, टाइम निकालने वाला और कौन सा बच्चे? मिरर एंड वॉटर, इतनी सारी चीजें और एरर, ये पढ़ना है हमें। अब शुरू करूं पढ़ाना? ये इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अगर आपका कॉन्सेप्ट, तब प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि प्रैक्टिस भगवान, बस मेहनत करो, उठा लिए क्वेश्चन बन नहीं रहा है, कोई फायदा है क्या ऐसे? आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे फिर प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन हो सके। एक बात और सुनिए, एक तो मैं कराऊंगा, केवल मेरे क्वेश्चन को रेफर मत करो, और भी जो भी आपको इनपुट मिले उनके क्वेश्चन, दूसरे भी इंस्टीट्यूट का कोई क्वेश्चन मिले उसको भी लगाओ। उससे फायदा क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कोई नए क्वेश्चन कहीं सर ने छोड़ दिया हो, कुछ नया आ गया हो, तो वो हम कर लें। अगर वो नहीं बनता तो आप मुझसे पूछिए, बात समझ में है ना। तो इस अप्रोच को लेके चल रहा, तो शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग किस पे? क्लॉक की कहानी शुरू करते हैं यहाँ पे, बेसिक से। किससे शुरू करते हैं? बेसिक से। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले टाइप नंबर 1 यही है बच्चे क्लॉक का बेसिक, पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए, घड़ी का बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आइए क्लॉक का थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं बच्चे, ठीक है। क्लॉक का बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे सपोज करो एक मैंने क्लॉक बनाना है। अब इस क्लॉक में बच्चे अगर हम बात करेंगे, तो घड़ी में बात करें, यहाँ पे क्या होता है बच्चे? 12, यहाँ पे क्या होता है? 6। बेसिक क्लॉक बना लो सब लोग अपने कॉपी में, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये अच्छा जो अभी पीएससी का पेपर आया हुआ था ना, अभी जो परसों हुआ था, परसों ही हुआ था ना, ठीक है। तो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं कराए गए, मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ, हाँ। लेकिन उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब उसमें बिना दिमाग लगाए आप नहीं करेंगे। क्लास में हम जस्ट वही क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन वैरायटी हमने किया था। तो आप उन लोग उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा वीडियो के फॉर्म में, तो आपको और अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा बच्चे। कभी भी बैठे हो ऑनलाइन वाले में ना, तो पहले आगे आके बैठा करो, ठीक है। इधर आ जाओ, कल से टाइम से आएंगे आप लोग, नहीं तो मैं फिर नीचे क्लास लगाता। कम बच्चे अगर दिखेंगे मेरे को 8 बजे मैं शुरू कर दूंगा, 9 बजे खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे 3 क्लास लेना है, फिर ऑनलाइन भी लेना है। इसलिए आप लोग कल से टाइम से आइए, गर्मी आ गया, ठंडी का समझ में आ रहा था, लेट हो गए थे, ठीक है ना। पुरानी आदत नहीं लाना। चलो, तो ये बच्चे मैंने क्लॉक बना लिया, अब बेसिक समझिएगा, ठीक है यहां तक। तो बेसिक क्या है समझिएंगे, तो बेसिक के बारे में बात करूं तो क्लॉक में बच्चे मैं सबसे पहले बात करूंगा किसके? हैंड्स की। किसकी बात करूंगा? जिसको आप लोग हिंदी में सुई बोलते हैं, कांटे बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए कितने हैंड्स होते हैं किसी भी घड़ी में? तो एक होता है बच्चे क्या? मिनट हैंड। क्या होता है बच्चे? मिनट हैंड। पीछे बंद कर देने यार थोड़ा, ठीक है, मिनट हैंड। और फिर बच्चे दूसरा होता है क्या?
आर हैंड हिंदी में लिख लेना मिनट वाली सुई, आर हैंड को लिख लेना घंटे वाली सुई, और तीसरा लिख लेना बच्चे सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड वाली सुई। क्लियर? तीन प्रकार के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आर हैंड और सेकेंड। ओके यहां तक ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्लॉक में, तो अब आपको पहचान तो वैसे ही पता है, घड़ी देख के आप पहचान कर ही लेते होंगे, जो छोटा सा सुई रहता है बच्चे उसको क्या बोलते हैं, आर हैंड। पता है ना आप लोग को, छोटा वाला सुई क्या होता है, आर हैंड, और जो थोड़ा मतलब उससे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, और पतला भी होता है, और एकदम पतला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड, जो तेजी से चलता है। ठीक है, तो अगर हम तीन हैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस क्लॉक में, तो अब इन तीनों हैंड्स की क्या होती है बच्चे पता है, स्पीड। क्या होती है, स्पीड। किसी ना, देखो अब ये सुई खड़ी तो नहीं रहती ना, चलती रहती है ना, तो कोई चीज अगर गति में रहेगा, मोशन में रहेगा, तो उसके पास क्या होगी, खुद की स्पीड होगी। तो ये बताओ हर हैंड की स्पीड अपनी स्पेसिफिक होती है, घड़ी से घड़ी बदलती है, बदलती है कि सेम रहती। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो घड़ी है और आपके पास जो घड़ी है, ठीक है, दोनों के पास अलग अलग घड़ियां हैं, अलग अलग कंपनी की घड़ियां हैं, तो मेरी घड़ी का जो आर हैंड होगा उसकी स्पीड कितनी है, और आपकी घड़ी के आर हैंड की स्पीड जो है वो कितनी है, क्या दोनों की स्पीड सेम होगी कि दोनों की अलग होगी। सेम होगी, सेम होती है तभी ना टाइम सेम आता है सबका। अलग अलग होता तो टाइम मेरे घड़ी में कुछ और बताता और आपके में कुछ और बताता, एक बार सेट करो फिर टाइम सेम बताता है ना। मतलब हर एक हैंड की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, हर एक हैंड की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं बात करता हूं स्पीड के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे किसमें, हेडिंग में लिखिएगा मिनट हैंड। क्या लिखिएगा, मिनट हैंड। मिनट हैंड की स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मिनट हैंड की स्पीड के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हेडिंग में है मिनट हैंड, और मिनट हैंड की स्पीड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर बच्चे मिनट हैंड के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा घड़ी के बारे में सोचो, थोड़ा ये बताओ मुझे कि घड़ी में जो मिनट हैंड होता है, जैसे सपोज कीजिए मिनट हैंड किसमें है, पांच में, किसमें है, ये पूरा एक चक्कर लगाता है, मान लो मिनट हैंड पांच से घूमकर फिर से वापस पांच में आ गया, तो ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री होगा। आपको पता है कोई भी वृत्त जो होता है उसका जो यहां संपूर्ण कोण होता है जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, वो कितने डिग्री होता है, 360। हमेशा सर्कल कितने, मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए कि मिनट वाली जो सुई है वो यहां से घूमकर वापस यहां आने में कितना समय लेगी। जैसे मान लो बड़े वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, 12 में वापस, 12 में घूमकर 12 में आने में, सोच लीजिए थोड़ा सा, क्या सोच के बता रहे हो, विचित्र टाइप के हो यार 24 मिनट कहां सोच के बता रहे हो। ये बताओ मुझे कि ये बड़ी वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई, 12 में घूमकर फिर वापस 12 में आने में कितना लेता है। अच्छा बताओ घड़ी में तीन बजते हैं, सुनो ध्यान से, वेरी गुड, घड़ी में तीन बजते हैं, छोटा सुई काहे में होता है, छोटा सुई तीन में होता है, और बड़ा सुई काहे में होता है, 12 में। तीन बजते हैं तो ऐसे ही होता है ना। फिर ये बताओ बड़ा वाला सुई 12 से घूमकर फिर से वापस 12 में आता है, तीन वाला सुई कहां पहुंच जाता है, 4 में, हाँ या ना। तो ये बताइए कितना मिनट हुआ, 60 मिनट। कितना मिनट हुआ, 60 मिनट। कितना मिनट हुआ, मतलब मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। कितनी डिग्री, समझ में आया ये बात। तो अब आपके सामने मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि जो मिनट वाली जो सुई होती है, ठीक है, कितने मिनट में बच्चे, 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट। कितनी डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। कितनी डिग्री घूमती है बच्चे, 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री कौन घूमती है, मिनट वाली सुई। ओके, तो आप ये बताइए, अच्छा स्पीड की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा सुन लो, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी पढ़ोगे। इकाई समय में तय की जाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पीड। ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखेंगे, कहीं लिखना हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, वैसे बाकी स्पीड टाइम डिस्टेंस से पढ़ोगे ही। यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चे, स्पीड। यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे, ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय किए जाने वाले दूरी को चाल बोलते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन ही, ठीक है, क्या बोला मैंने, इकाई समय में तय किए जाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। ये हर जगह लगेगा, याद रखना, ठीक है, ये बहुत सारे चैप्टर्स में ये कांसेप्ट काम करता है। तो यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि यूनिट टाइम का मतलब क्या है, इकाई समय का मतलब क्या है। यूनिट टाइम का मतलब होता है बच्चे, इकाई समय में जितना भी दूरी तय करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चाल। यूनिट टाइम में ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यूनिट टाइम का मतलब हो सकता है एक घंटा, या फिर
एक मिनट या फिर एक सेकेंड, यूनिट कोई भी हो सकता है लेकिन वो यूनिट जो होगा वो वन यूनिट की बात कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो एक मिनट, एक घंटा या एक सेकेंड, ओके यहां तक। तो ये बताओ मुझे 60 मिनट में 360 डिग्री है तो एक मिनट में कितने डिग्री होगा। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। पूरे गणित में जितना क्वेश्चन आया था ना बीपीएससी में, सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से हुए, एक भी फॉर्मूला नहीं लगा है, कोई भी क्वेश्चन में नहीं लगता फॉर्मूला, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर। यूनिटरी मेथड होता क्या है, इकाई विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई विधि। इकाई विधि क्या बोलता है, जैसे 60 बराबर 360 है तो 1 बराबर क्या हो गया, 60 नीचे आ जाएगा, दोनों पक्षों को 60 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा 60। तो ये 0 0 कैंसिल आ गया, कितना बचे 6, कितना आ गया 6। तो कहने का मतलब है कि एक मिनट में कितने डिग्री बचे, 6 डिग्री। तो आप इसकी स्पीड ऐसा कह सकते हैं कि 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, ये इसकी स्पीड है, कितनी बचे 6 डिग्री पर मिनट, क्लियर है कि नहीं। तो याद रखना कि कोई पूछे कि मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है, ये बताइए, पेपर में पूछ सकता है, किसी भी घड़ी के मिनट हैंड की चाल बताइए, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे कितना होता है सर, 6 डिग्री पर मिनट, एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, क्लियर है कि नहीं, ओके। अच्छा एक बात तो ये हो गया, अब सुनिए ध्यान से एक बात और, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आप ये बताइए कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, एक घंटा, कितने घंटा होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक घंटे में कितने डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री, कितने डिग्री। तो यूनिट टाइम में एक मिनट भी हो सकता है और एक आर भी हो सकता है, ओके। तो अगर ये ऑप्शन में ना दिखेगा तो ये दिख सकता है 360 डिग्री पर आर, क्लियर है कि नहीं। एक घंटे में कितने डिग्री घूमता है, 360। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि मिनट हैंड की स्पीड बताइए तो आप क्या बोलेंगे, 6 डिग्री पर मिनट। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना दिखे तो जरूर दिया होगा 360 डिग्री पर आर, 360 डिग्री पर आर, क्लियर है कि नहीं। इतना समझ में आया, केवल ये पढ़ा देता, ये दिमाग में नहीं बताता तो शायद हो सकता है आप बोलते ऑप्शन में नहीं आए और नन ऑफ दीज टिक करके आ जाते, क्लियर है कि नहीं। इतना ओके है, तो दोनों स्पीड है किसकी, मिनट हैंड की। जैसे हमने मिनट हैंड का निकाला ऐसे ही किसका निकालेंगे, आर हैंड का, किसका निकालेंगे, आर हैंड का। पहले इतना क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को, अभी हमने क्लॉक शुरू किया है जिसमें बेसिक बता रहे हैं मिनट हैंड की स्पीड के बारे में डिस्कस, ओके। अब हम चलते हैं बच्चे आगे कहानी में, इसको लिख लिए हो कि लिख रहे हो, लिख लो, बाकी मैं इसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में जो भी मैंने लिखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, ये हो गया बच्चे मिनट हैंड की स्पीड हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। फिर एक काम करिएगा, हेडिंग में लिखिएगा आर हैंड और उसकी स्पीड एक बार ट्राई मारिए, थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा सोचिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूं। ठीक बच्चे, यहां तक क्लियर है सभी को, देखो तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम आगे चलते हैं। लिखना है क्या, पीछे कर दूं, लिख रहे हो, कोई लिख रहा था कि हो जाएगा, बोल दो, संकोचना नहीं, याद रखना नहीं तो पेपर जैसे हाल होगा, 13 तारीख वाला जो नहीं बनेगा बोल देना सर नहीं बन रहा, फिर से बताओ, क्लियर है ना, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा काम आते हैं, जिसका कंसेप्ट नहीं होगा पेपर में दो तीन चीजें दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों को पेपर देखती है पहले हक्का बिक्की हो गई थी, अच्छा पढ़े थे, बहुत पढ़ लिए थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो ज्यादा पढ़ लिए थे और वहां पे एक में क्वेश्चन में फंसे तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हुआ, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम के पहले मत पढ़ा करो, एक दिन दो दिन कम से कम, थोड़ा रिलैक्स किया करो, समझ में। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट नंबर सेकंड, अभी बेसिक का ही बात करते हैं। मिनट हैंड के बारे में डिस्कस हो चुका है, अब हमारा हेडिंग होगा क्या बच्चे, आर हैंड, क्या रहेगा बच्चे, आर हैंड। आर हैंड की स्पीड के बारे में चर्चा अगर करते हैं तो आप एक बात करिए कि घड़ी में आप देखिए, एक बार इमेजिन करिए, घड़ी 3 बजाए मान लो, कितना बजाए, तो छोटा सुई काहे में होगा, 3 में ना यार, कैसे करते हो घड़ी, छोटा सुई काहे में होगा और बड़ा सुई, ठीक है। अब छोटा सुई, अब 4 बज गया, कितना बज गया, अब ये बताओ 4 बज गया तो छोटा वाला सुई 3 से कहां पहुंच गया, 4, कितना पहुंच गया, 4 पहुंच गया। अब ये बताओ छोटा वाला सुई जो 3 में है 12 घंटे के बाद वापस कहां पे आ जाएगा, फिर से 3 में आ जाएगा, क्योंकि एक चक्री कितने घंटे की होती है, 12 घंटे, सर्कल कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का, क्लियर है कि नहीं। 3 के बाद 12 घंटे लगेंगे वापस 3 में आने में, मतलब सुबह अगर दोपहर का 3 बजे है तो 12 घंटे बाद क्या बजेगा, रात को 3, क्या बजेगा, तो 3 से 3 वापस आने में 360 डिग्री है, 360 डिग्री कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे,
कितने घंटे लग रहे हैं? तो आप क्या ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में, कितने घंटे में बच्चे, 12 घंटे में कितने डिग्री घूमता है ये? कौन घूमता है? आर है। कौन घूमता है? आर है। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आप ये बताइए एक घंटे में कितना घूमेगा? 360। ये 12 नीचे आ जाएगा ना, इस मेथड को सीख लो, यूनिटरी बहुत काम आता है। क्लियर है ना? तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो क्या ये इसकी स्पीड आप कह सकते हैं कि आर हैंड की स्पीड कितनी होती है? सर आर हैंड की स्पीड कितनी होती है? 30 डिग्री पर आर। 30 डिग्री पर एक घंटे में 30 डिग्री होता है, एक घंटे में 30 डिग्री, ऐसे 12 घंटे तो 360 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? चलो अब ये बताओ इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। वेरी गुड बच्चे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और ये कितने डिग्री है बच्चे? 30 डिग्री। तो ये बताओ एक मिनट में कितने डिग्री होगा? 30 बटे कितना हो जाएगा? 60 नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, ये 30 डिग्री पहले से मौजूद था। हाँ या ना? तो एक मिनट में मैं इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि स्पीड को मिनट के फॉर्म में भी लिखना चाहूंगा, जैसे वहां पे आर के फॉर्म में भी लिखा था और मिनट के फॉर्म में भी लिखा, अभी भी आर के फॉर्म में भी लिखना चाहूंगा और मिनट के फॉर्म में भी। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए कि एक मिनट में 30/60 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/1। तो आधा डिग्री बोल सकता हूं, आधा मतलब हाफ, हाफ मतलब 1/2। क्लियर है? तो आर हैंड की स्पीड एक और होती है बच्चे, क्या? हाफ डिग्री पर मिनट। क्लियर है कि नहीं? तो आर हैंड की स्पीड ये भी है, ये भी है, लेकिन ज्यादातर मालूम है एग्जाम में ये वाला काम आएगा, मिनट वाला काम आता है। कौन सा काम आता है? मिनट वाला, चाहे आर हैंड हो चाहे मिनट हैंड हो। ओके बच्चे, ये बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? दोनों चीजें क्लियर हो गया तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मिनट हैंड पहले मैंने डिस्कस किया, फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि आर हैंड की स्पीड क्या होगी। स्पीड की परिभाषा है इकाई समय में तय किए जाने वाले दूरी को, क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे? चाल। यहाँ पे दूरी क्या होता है? एंगुलर होगा क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया यहां तक? चलो अब एक सवाल है मेरा, सेकेंड हैंड का स्पीड कोई बताएगा? सेकेंड हैंड का एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, चलेगा ना यहाँ तक? मिनट हैंड आर हैंड क्लियर है, कोई तकलीफ किसी बच्चे को? अब एक काम करते हैं, सेकेंड हैंड लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड हैंड की स्पीड तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें निकालना आना चाहिए, इनकेस अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ ले सेकेंड हैंड की स्पीड बताइए। तो सबसे पहली बात सेकेंड हैंड की स्पीड, तो सेकेंड हैंड के बारे में थोड़ा सोचो, घड़ी को देखो एक बार, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, ये घड़ी आगे बढ़ी नहीं है, इसकी विशेषता है, इसको हटाना पड़ेगा पहले, इसको मत देखना। ठीक है, अब आप ये बताइए जो सेकेंड हैंड है वो जो एकदम पतला सा वही खड़े होकर ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन उसको ये सोचो कि वो आगे चल रहा है। हाँ, समझाने के लिए इसलिए जानबूझ के इसको बंद किया गया। ठीक है, चलिए तो ये बताइए जो सेकेंड हैंड 9 में है, ठीक है, देखो पतला सा एकदम वही वही खड़े होकर आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, ये पूरा एक चक्कर मानने में 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ये कितना मिनट लगेगा सेकेंड हैंड को? अच्छा, सेकेंड हैंड मान लो 6 में, सेकेंड हैंड किसमें है? वापस घूमने में, 6 में आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। कितने मिनट लगता है? तो ये बताइए सेकेंड हैंड जो होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है? वेरी गुड, 300। तो सेकेंड हैंड की स्पीड कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री पर मिनट। क्लियर है कि नहीं? ये ठीक है। अब आप बच्चे इसको सेकेंड में बदल लो, ऐसे बहुत कुछ में बदल सकते हैं, चलो सेकेंड में बदलते हैं। किसे बदलते हैं? सेकेंड। तो ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? ये सब पता है ना, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहां पे यूनिट मेजरमेंट अलग से पढ़ते हैं। बात समझ में? अभी ध्यान से देखिएगा, 60 सेकंड का मतलब कितना आ जाएगा बच्चे? 360 डिग्री। अब ये बताइए 1 सेकंड में कितना होगा? 360 बटे कितना हो जाएगा? 60। 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चे? 6 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री। तो क्या ये कह सकते हैं आप कि इसकी स्पीड ये भी है 6 डिग्री पर सेकेंड? क्लियर है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में पूछ सकता है सेकेंड हैंड, लेकिन वैसे सेकेंड हैंड से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया सभी को? लिख लीजिएगा इसको, ये हो गया तीनों की स्पीड। हमने अभी क्लॉक के तीनों हैंड्स के बारे में पढ़ा, तीनों हैंड्स की स्पीड पता चल गई कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में कौन कितना चलता है। तो कायदे की बात, निष्कर्ष निकालता हूं जो आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में। आपको दो ही चीज की स्पीड याद होनी चाहिए, एक आर हैंड की और एक मिनट हैंड की। वो क्या याद होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। पहले इतना क्लियर है सभी को?
सेकेंड हैंड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दो ही स्पीड आपको याद होनी चाहिए, एक स्पीड है यहां पे लिख लेते हैं, एक याद होना चाहिए मिनट हैंड का और एक याद होना चाहिए आर हैंड का। ये बताइए मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है बच्चे, मिनट वाला बताओ 6 डिग्री, ये वाला याद होना चाहिए ठीक है। और आर हैंड की स्पीड क्या होती है, 1/2 डिग्री पर मिनट, ये दोनों याद होना चाहिए, ये दोनों काम आएगा आपके पेपर में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन्हीं पे आधारित आए, क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन एक बार आया था लेकिन बच्चा नहीं कर पाया था जब एग्जाम में आया था, बाद में तो कर लिया जब सीख गया, लेकिन स्टार्टिंग में जब आया था तो दिक्कत इसलिए हुआ था क्योंकि उसने स्पीड नहीं पढ़ा था, क्लियर है कि नहीं। स्पीड इसलिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, बात समझ में है। तो आपको क्या याद रहना चाहिए, मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है बच्चे, 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की स्पीड कितनी होती है, 1/2 डिग्री पर मिनट, याद रहेगा, कोई तकलीफ तो नहीं। चलिए तो ये बातचीत अगर क्लियर है, अब मैं आपको इस पे आधारित क्वेश्चन करवाता हूँ ठीक है। तो एक बार आप लोग थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, बाकी मैं बोर्ड में भी लिखूंगा, लेकिन आप लोग लिखना चाहे तो एक बार लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, क्लियर है ना ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी में लिखना हो तो लिख भी लेना, मैं बोल भी दूंगा। 12 नून से 3:45 तक, ठीक है, 12 नून से 3:45 तक मिनट हैंड कितने डिग्री चला है, मिनट हैंड कितने डिग्री ट्रेवल किया है, मिनट हैंड कितने डिग्री चला है ठीक है, 12 बजे से लेकर 3:45 तक। एक बार मैं लिखवाना चाहूं लिखवा दूं क्या, एक बार थ्योरी लिख लो आप लोग, जो एग्जैक्ट थ्योरी है लिखिएगा। अच्छा 12 नून का मतलब क्या है पहले ये बताओ, थोड़ा फिर लिखवाता हूं। नून मतलब हो गया दोपहर, अच्छा ये एएम होता है कि पीएम होता है, एक चीज याद रखना, दोपहर वाला 12 हमेशा पीएम होता है, बहुत लोग इसको एएम निपटा देते हैं ठीक है ना, 12 एएम रात वाला, क्लियर है कि नहीं बच्चे। तो याद रखना नून का मतलब पीएम होता है, इस बात को याद, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है, क्लियर है। हाँ वहां पे गड़बड़ बिल्कुल हो जाएगा, आप रिजर्वेशन कराने जाएंगे एएम पीएम आपको पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्लियर है। याद रखिएगा नून का क्या होता है बच्चे, पीएम होगा, दोपहर वाला है पीएम होता है ओके। अब एक सवाल है मेरा, लिखेंगे हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में बोलूंगा। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक, इंग्लिश में भी बोलूंगा पहले हिंदी में बोल रहा हूं, दोनों लैंग्वेजेस में बोला जाएगा ठीक है, पहले हिंदी वाले लिख लीजिए। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक घंटे और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चली, घंटे और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चली, इंग्लिश में बोल रहा हूं, घंटे और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चली, फ्रॉम 12 पीएम टू 3:45 पीएम, how much angle covered by the hour hand and minute hand, बस इतना ही क्वेश्चन मार्क ठीक है, how much angle covered by hour hand and minute। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 12 बजे दोपहर से लेकर 3:45 तक ठीक है, मिनट हैंड और आर हैंड कितने डिग्री चली है, ये दोनों फाइंड आउट करना है ओके बच्चे। ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उन लोगों ने उस समय जब ये आया था तो छोड़ के आए थे, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्ट रटा होता है, जब देखो किताब खोलोगे ना तो बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ये आपको नहीं करना है कभी। आप सब लोग क्या करते हैं, किताब खोलते हैं कोई भी, उसमें स्टार्टिंग में कुछ लिखा रहता है तो रट लेते हैं और सोचते हैं आपसे क्वेश्चन बनेगा, जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे और आपके कंसेप्ट नहीं डेवलप होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको लाभ और हानि के 10 फॉर्मूले दे दूं, कितने फॉर्मूले दे दूं, 10, और जो पेपर में आया था क्वेश्चन सीजीपीएससी का, मैं बोल दूं इसको कर दो सॉल्व, कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला सीधा सीधा लग ही नहीं रहा था किसी, समझ में आया कि नहीं है। मतलब आपका एक ही है, और कोई भी चैप्टर का टाइम एंड वर्क का, जैसे क्वेश्चन का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला वैसे नहीं कंसेप्ट से ही होता है पूरा सॉल्व, लेकिन फिर भी फॉर्मूला कुछ ताम झाम किताब उठा के मैं बता दूं, कई बुक्स आती हैं जिससे फॉर्मूले जुड़ते हैं तो भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या लग रहा था, कंसेप्ट। और आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं कॉम्पिटिशन के, कोई भी, हर एक एग्जाम का स्तर बढ़ चुका है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है,
लोगों को इतनी जानकारी मिलने लगी, आजकल ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं इतनी हो गई कि घर बैठे लोग तैयारी कर रहे हैं और खूब पढ़ रहे हैं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना मटेरियल मिल रहा है, इतना मटेरियल मिल रहा है, तो सबका स्तर एक बढ़ चुका है। तो कट ऑफ को थोड़ा कम करने के लिए पेपर के स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो इसलिए बच्चे आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, न कि अपने आप को कम मार्क के कम पढ़ना है, समझ में। चलिए तो अब जैसे सवाल था 12 बजे दोपहर से लेकर 3:45 तक ये बताने कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब ध्यान से समझेंगे, सबसे पहली बात 12 बजे दोपहर से लेकर 3:45 तक अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना है ये बताइए, इन दोनों के बीच में टोटल कितना समय है, कितना ये जो सुई है कितने मिनट, मतलब कितने घंटे का अंतर है दोनों, 12 बजे से लेकर 3:45 तक होता है, 12 से 3 तो 3 घंटा हो गया, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 3 घंटे और 45 मिनट, 3 घंटे और 45 मिनट, क्लियर है बच्चे। तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है 3 घंटे और 45 मिनट। अब मुझे सबसे पहले मिनट हैंड के बारे में पता करना है कि मिनट हैंड कितने डिग्री चला, क्लियर है कि नहीं। तो एक बात बताइए मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है, मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका पढ़ा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा कैसे जाता है, देखो पढ़ना भी सीखो। 6 डिग्री पर मिनट का मतलब होता है एक मिनट में कितनी डिग्री चलती है, ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है स्पीड को। जैसे बोलते हैं ना 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, बोलते हैं ना मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बोल दिया, मतलब एक घंटे में आप कितने किलोमीटर चलते थे 40, ऐसे पढ़ा करो, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यही बच्चे एक मिनट में आप कितने डिग्री मूव करते हैं 6 डिग्री। तो ये बताइए कितने मिनट, यहाँ पे कितना समय दिया है 3 घंटा और 45 मिनट, तो मिनट हैंड कितने डिग्री चला है ये सवाल है। तो आप ये बताइए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने होते हैं, तो 3 घंटे में कितने होंगे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 60 180, तो 180 मिनट हो गए, और प्लस कितना था बच्चे ऑलरेडी 45, तो ये कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, क्या बच्चे मिनट क्या हो गया 225, क्योंकि आपने पूरे आर को किसमें बदल दिया, मिनट में, किसमें बदल दिया बच्चे, ठीक है, आपने क्या किया बच्चे आर को किसमें बदल दिया, मिनट में, आर को किसमें बदल दिया, मिनट में, तो और मिनट को मिनट में ही रहने दिया, दोनों को ऐड किया, टोटल कितना मिनट हो गया 225 मिनट, क्लियर है बच्चे यहां तक। अब आप ये बताओ मुझे, इतनी सी बातचीत अगर क्लियर है तो एक मिनट में अगर ये मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है तो 225 मिनट में कितना चलेगा, 225 का गुणा किसे हो जाएगा, किसे हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में चलता है 6 डिग्री, तो 225 मिनट में कितना चलेगा, 225 गुणा 6, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 दूनी 12 3 15 और 12 और 1 13, कितना हो गया 1350 डिग्री, ये आंसर आ गया, क्लियर है कि नहीं। ये किसका आंसर आया है कि मिनट हैंड कितने डिग्री चलेगा 1350 डिग्री, कितने डिग्री 1350, लेकिन अगर सवाल था साथ में एक और सवाल था, मिनट हैंड बस नहीं पूछा था, क्या पूछा था साथ में आर हैंड, क्या पूछा था, चलो आर हैंड कभी निकाल लेते, निकाल लें, ये बता आर हैंड की स्पीड कितनी होती है, एक मिनट में कितने डिग्री चलता है, आधा डिग्री, हाफ डिग्री पर मिनट, याद है ना। तो ये बताओ कितना मिनट टोटल डिफरेंस था 225, कितना था 200, तो एक मिनट में आधा डिग्री चलता है तो 225 मिनट में कितना चलेगा, 225 गुणे आधा, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा बच्चे 112.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 112.5 डिग्री, क्लियर है कि नहीं, 2 से डिवाइड कर, समझ में आया। मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जब होता है 12 बजे से लेकर 3:45 का मूवमेंट होता है तो जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड होता है वो कितने डिग्री मूव करता है 1350, मतलब कई बार चक्री मार देता है, 360 का तो एक चक्री होता है, एक सर्कुलर होता है ना 360 का, यहां पे 1350 आता है, लेकिन आर हैंड ओनली कितना चलता है 112.5 डिग्री, क्लियर है बच्चे। तो ये क्वेश्चन का जवाब था, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, एक बार ध्यान से देखें और लिख लें, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। तो दोनों सवाल था मिनट हैंड कितने डिग्री चलेगा और आर हैंड कितने डिग्री चलेगा, दोनों की स्पीड आपको याद थी और आपने टाइम निकाला पहले दोनों के बीच का और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नोट्स अच्छे से बनाना बस और चीजों को पढ़ते चलना, जितने भी नए क्वेश्चन हो सबको कॉपी में लिख लिया, ठीक है।
चलिए बच्चे यहां तक क्लियर है सभी को। अब सुनिए ध्यान से, ये बात अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो एक सवाल है मेरा आपसे, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM लिख लो, 2 PM से 4 PM तक दोनों एंगल बताना कितने डिग्री होगा, मतलब ये लिखे वही हिंदी थ्योरी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा जो लिखे थे आप लोग, बस 2 PM से 4 PM लिख लेना कि 2 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तक मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगा, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्रॉम 2 PM टू 4 PM हाउ मच एंगल कवर्ड बाई मिनट हैंड एंड आर हैंड, एक बार ट्राई करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, दोनों निकालना है, वेरी गुड, देखते हैं, देख लेते हैं एक बार, ये वाला लिख लियो सब लोग, सबने लिखा, नहीं लिखो तो बता दो, लिख लियो सब लोग, थोड़ी स्पीड में लिखा करो नहीं तो ये PDF दे दूंगा मैं, ठीक है यहां तक ना। चलो अब सुनो ध्यान से, अब जैसे बच्चे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा किसी के पास स्कैनर है क्या, स्कैन करते हैं जो कितनी देते हैं क्या बोलते हैं QR कोड स्कैन किए तो आ गया फोन में, ऐसा है किसी के पास, नहीं अभी फिलहाल में तो डाउनलोड करना पड़ेगा, वैसे नहीं है किसी के पास, अभी लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको करके तुरंत व्हाट्सएप में करूंगा, मेरे पास अभी नहीं, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, चलो अभी मत करो डाउनलोड, अभी रहने दो, चलो है ना, ठीक है अभी यूज करेंगे, ध्यान से देखिए लास्ट में जितना भी है मैं सब आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। देखिए बच्चे क्वेश्चन ये है, 2 PM से 4 PM तक, कहां तक बच्चे 4 PM तक, आपको बताना है कि मिनट हैंड कितने डिग्री चलेगा और आर हैंड कितने डिग्री मूव किए। ओके तो अब आप एग्जाम में क्या करेंगे, अब देखो स्पीड चाहिए मुझे, पहले सीखो, पहले चलना इंसान सीखता है फिर स्पीड बनाता है फिर दौड़ता है, आप क्या करते हो कि शुरू में ही सोचते हो मेरी स्पीड आ जाए, ऐसा नहीं आता, अगर एक चीज को 10 बार करोगे तब स्पीड बनता है, अगर मैं खुद पहली बार कोई चीज पढ़ू ना, मैंने मेरे को तो यही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, कई टाइम से पढ़ा रहा हूं मैथ्स रीजनिंग वगैरह, लेकिन अगर मैं पहली बार कोई चीज देखूंगा और उसको दोबारा करूंगा तो मेरी उतनी स्पीड नहीं आएगी, मेरी स्पीड कब बनेगी जब मैं उसी चीज को 10 बार कर लूंगा और फिर करूंगा तो मेरी स्पीड अपने आप रहे, हर किसी के साथ ऐसा, बात समझ में। तो आप लोग को भी स्पीड बनाने के लिए उन्हीं चीज को बार बार करना है, जैसे सवाल दूसरा आपने अपने से लिख लिया, घर में जाके तीसरा लिख लेना, 2 PM से 4 PM तक मिनट हैंड और आर हैंड की स्पीड पूछा, मतलब कि स्पीड नहीं कितने डिग्री चलेगा, क्लियर है ना, कितना एंगल कवर करेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जानना चाहिए, मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, 6 डिग्री पर मिनट, और इसकी स्पीड क्या होती है, 1/2 डिग्री, ये दिमाग में होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद दोनों के बीच में इंटरवल कितने घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, क्लियर है कि नहीं। ओके ये बताइए मुझे कि मिनट हैंड के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करता है, 6 डिग्री, कितने डिग्री, 6 डिग्री, तो कितने मिनट है, 120, तो 120 गुणा क्या हो जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 712 6 के 72, टेबल याद कर लेना भैया, कितना आएगा, 720 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। ठीक है अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे कितना था इसका, 1/2 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में 1/2 डिग्री था, तो ये बताइए यहाँ पे 120 का गुणा किससे करेंगे बच्चे, 1/2 से, कितना आ जाएगा ये, 60 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना एग्जाम में, एग्जाम में तो कर ही लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलो तो ये बात हो गई, अगर यहाँ तक क्लियर है इसको नोट कर लेना और कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है बच्चे, कर लेंगे ना। तो ये बच्चे आपका कंप्लीट हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, अब शुरू करते हैं आगे की कहानी, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बच्चे किस पे, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन, किसमें चलेंगे, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने बेसिक इंफॉर्मेशन, दोनों सुइयों की स्पीड हमें याद रखना है क्योंकि एरर में काम आएगा, किसमें काम आएगा, एरर के क्वेश्चन में। मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है बच्चे, 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की स्पीड 1/2 डिग्री पर मिनट, क्लियर है ना। चलो तो ये हो गया बच्चे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप में, टाइप नंबर 2 जो आपको सीखना है आगे। टाइप नंबर 2 में आपको जो सीखना है वो है एंगल निकालने वाले, कौन से क्वेश्चन बच्चे, एंगल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा, और आपको दिया क्या होगा, फिर गिवन क्या होगा, आपको स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा, और आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एंगल। टाइम आपको दिया होगा और क्या फाइंड आउट करना होगा आपको, एंगल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक घड़ी में बोला कि एक घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 7:30, AM या PM से फर्क नहीं पड़ता,
चाहे एएम दिया हो चाहे पीएम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7:30 का शाम भी होता है अगर। अच्छा, ये जो घड़ी हम पढ़ रहे हैं ना, तो एनालॉग घड़ी पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं? एनालॉग, जिसमें सुई होती है। आजकल तो डिजिटल वाला आने लगा है, सुई यही आने वाला जनरेशन से तो टॉपिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पूरा डिजिटल, बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे कैसे सुई काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझना है कि 7:30 बजे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोला आपसे कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो बताना है कि दोनों सुइयों के बीच में कौन कौन सी सुई, मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, 7:30 बजे दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। तो अब आप इसको करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप इसको किससे बनाए, डिटेल से। किससे बनाए? डिटेल से। पहला रास्ता है आप इसको किससे बनाए, डिटेल से। और दूसरा क्या है बच्चे आपके सामने, क्या है? डायरेक्ट, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करें। क्या यूज करें बच्चे? फॉर्मूला। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता है क्या, डिटेल से, और एक है क्या, फॉर्मूला। बट मैं आपसे एक चीज कहूंगा, रीजनिंग जब जैसे टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, गिनती के टॉपिक्स है, रीजनिंग में गिनती के टॉपिक है, और यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा नहीं है, सबसे अच्छी बात है। मैथ्स में बहुत वेरिएशन है, अभी वेरिएशन दिख गया एग्जाम, सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो फिक्स ऐसे ही आएंगे, लेकिन मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैथ्स में मैं बोलता हूँ फॉर्मूले से दूर रहो, मैथ्स में क्या रहो, फॉर्मूले से। लेकिन रीजनिंग में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर किसी का स्पेसिफिक डायरेक्ट फॉर्मूला और इजी सा फॉर्मूला है तो उसका फॉर्मूला पढ़ लो और उसी से कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, एक तो डिटेल से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, डिटेल समझाना पड़ेगा थोड़ा, और दूसरा है डायरेक्ट। लेकिन एग्जाम में क्या करना, डायरेक्ट से। किसे करना? अगर मैं आपको जबरदस्ती की बात बताऊं, नहीं डिटेल इजी है, डिटेल से करो, आप दिमाग इतना खपाओगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट है तो उससे लगा के खत्म करो ना। आपका मेन लक्ष्य क्या है, कम समय में क्वेश्चन हो जाए। समझ में है ना? तो दोनों में आपको बता दे रहा हूं, जैसे देखो 7:30 है, तो 7:30 अगर मैं घड़ी में बनाता हूं, 7:30 कैसे बजते हैं पहले ध्यान से देखिए। जैसे मान लो एक मैंने क्लॉक बनाया, ठीक है, अब 7:30 अब हम बनाते हैं किस तरीके से, ध्यान से देखिए। 7:30 बजने के पहले, 7 बजा होगा, डिटेल बता रहा हूं पहले कि एंगल कैसे निकालते हैं, सुन लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो 7:30 बजने के पहले क्या बजा होगा, क्या बजा होगा, तो ये बताओ बड़ा वाला, ये कौन सा नंबर होता है यहाँ पे, घड़ी देखते बनता है ना सबको, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये बताओ 7:30 बजने के पहले क्या बजा होगा, 7। सब लोग क्लियर है इस बात से, ठीक है। तो अब ये बताओ ये 7 बजा होगा, तो हम एक काम करते हैं पहले 7 बजा दे, 7 बजा होगा तो छोटा सुई कहाँ में होगा, और बड़ा सुई, वेरी गुड, ऐसी होगा, हाँ या ना, मुझे बताना 7:30 का है, किसका बताना है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7:30 बजे कितने बजे, 7 बजे पहले, 7:30 बजने के पहले क्या बजा होगा, 7, ओके। अब आपसे लेकिन पूछा 7 बजे का नहीं था, किसका पूछा था, ठीक है। अब यहां पे ऐसा स्थिति है 7 बजे, तो ये बताओ 7:30 बजने के लिए मिनट वाली सुई को आगे निकालना पड़ेगा, डिटेल बता रहा हूं अभी समझने के लिए, क्लियर है ना। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे बड़ा वाला सुई आगे निकलेगा, किस स्पीड से निकलेगा, अपनी स्पीड से, किसकी स्पीड से, और अपनी स्पीड कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट, कितनी, 6 डिग्री, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, हाँ या ना, और ये करके कहां पे आ जाएगा, 6, और ये यहीं पे खड़ा रहेगा क्या, ऐसे, हाँ, वो भी आगे जाएगा ना अपनी स्पीड से, किसकी स्पीड से, अपनी स्पीड से, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं है, अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं। तो ये बताओ ये पूरा ऐसे घूम कर आएगा, ठीक है, मिनट वाला सुई ऐसे घूमेगा, ओके, यहां तक क्लियर है, ये घूम के सीधा सा इधर आ जाएगा बच्चे, कहां पे आ जाएगा, 6 पे, कहां पे आ जाएगा, और छोटा वाला सुई कहां पे रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ना, 7 और 8 के बीच, क्लियर है कि नहीं है, ऐसी कुछ हो जाएगा, हाँ या ना। और ये वाला जो टाइम है इसी को क्या बोलते हैं, 7:30, क्या बोलते हैं, 7:30, यही ना, ये छोटा सुई ये बड़ा सुई, हाँ या ना। अब ये बताओ यही वाला एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल पूछा है ना, कितना है, ओके, यहां तक। तो अब आप मुझे इतना बताओ, ये एंगल निकालना, बहुत बढ़िया, ये बताओ मुझे कि जैसे कोई घड़ी है और ये 12 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 12 और 1 के बीच, अभी इसमें नहीं आ रहा हूं मैं, ऐसे सिंपल पूछ रहा हूं,
12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, और 1 और 2 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में 3 और 30 डिग्री, कितना डिग्री होता है 30। कैसे होता है बता रहा हूं, सुनो इस पे बाद में आएंगे, पहले ये बताओ कितने स्पेसेस होते हैं, कितने खांचे होते हैं यहाँ पे। खांचा मतलब नहीं समझते, खांचा मतलब देखो ये सर्कल है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 8 है, ये 10 है, ये 1 खांचा 2 खांचा।